अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज सना वेलकम बैक अगेन कैसे हैं आप सब होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट आई एम फाइन टू अलहदुल्ला आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल्स शेयर कर रही हूँ जिनको आप अपना लेंगे ना तो आपको कम से कम नाकामी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा समझने की कोशिश करें एंड ट्राई टू फोकस ऑन दीज पॉइंट्स सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट नंबर वन विच इज़ डोंट ओवर शेयर किस से कितनी बात करनी है क्या बात करनी है और कब तक करनी है ये बातें हर एक को नहीं पता होती कि जिसके साथ हमने शेयरिंग करनी है यानी जो बात किसी के साथ करनी है उसको हमने किस हद तक उसके साथ शेयर करना है लोगों को तो टॉपिक चाहिए होता है द नीड अ टॉपिक टू डिस्कस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इधर की बात उधर करनी होती है और झूठ का भी एडिशन करना होता है उसमें और ऐसी बात डिलीवर करते हैं जिसमें टेन परसेंट सच्चाई होती है और बाकी जो नाइन्टी परसेंट है ना उसमें वो अपनी पसंद की बात का एडिशन करके बताते हैं यानी जो वो चाह रहे होते हैं ना वो उसमें ऐड कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं तो ये डिफ़रेंट कैटेगरीज़ हैं लोगों की कि कौन किस चीज़ को डिस्कस कर रहा है सो कुछ लोग दूसरे लोगों की बैक बाइटिंग में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी टाइम और एनर्जी को अवेल करके कोई अपना फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं या अपना कोई काम कर लेते हैं अगर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपके जो भी मसले हैं छोटे हैं या बड़े हैं वो हर एक के साथ अगर आप शेयर कर देते हैं ना तो याद रखें कि 90 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको आपके मसलों से आपके मामलों से कोई गर्ज नहीं है दे डोंट इवन केयर अबाउट यू एंड योर प्रॉब्लम्स और टेन परसेंट जो है ना वो ऐसे हैं जो खुश हो रहे होते हैं जब आप उनसे अपना कोई मसला कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं सो so, आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं ना जो आपके मसलों को कोई मसला समझते ही नहीं उनको कोई सरोकार ही नहीं है आप जिस भी सिचुएशन में है द डोंट इवन केयर और जो बाकी है टेन परसेंट वो खुश होते हैं कि अच्छी बात है इन पर भी मुसीबत आई है ऊपर से वो बेशक अपनी केयर शो करेंगे लेकिन अंदर से ना वो खुश हो रहे होते हैं ये मैं टेन परसेंट की बात कर रही हूँ जो नाइन्टी परसेंट हैं वो कोई उनको गर्ज ही नहीं है आपके मसलों से और कुछ जो आपके बिल्कुल ब्लड रिलेशनस हैं ना उनको केयर होती है और वो बॉडर करते हैं सो so, एक सेलेक्टेड लोगों का आप रखें सर्कल और उनको अपनी चीज़ें बताएं उनसे अपने प्रॉब्लम्स और अपनी जो अच्छी बातें हैं वो शेयर करें और ये जो आपने कैटेगरी बनाई हुई है ना सेलेक्टेड लोगों की कि इनके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ये भी नुकसानदेह है इंस्टेड ऑफ़ योर ब्लड रिलेशंस योर इमीडिएट फैमिली जब आप इन लोगों के साथ भी अपने घर की बातें अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना छोड़ देंगे ना तो आप यकीन करें कि आपके दुश्मनों को जो बातें आपके बारे में पता चलती हैं ना वो पता चलना बंद हो जाएंगी वो अपडेट्स उनकी तरफ आना खत्म हो जाएंगी क्योंकि आपका जो मेन चैनल था ना बातें इधर से उधर करने का वही बंद हो गया है तो आपकी जो अपडेट्स हैं वो आपके दुश्मनों तक आपके जो भी आपके वेल विशर्स नहीं हैं उन तक जाना बंद हो जाएंगी क्योंकि ये जो भी बातें हैं ना आपके बारे में ये थ्रू प्रॉपर चैनल लोगों के पास जाती थी जब आपने उस चैनल को ही बंद कर दिया ना तो लोगों के पास आपकी कोई भी बात डिलीवर नहीं होगी नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर टू विच इज़ प्राइवेसी इज़ पावर आपकी जो प्राइवेट लाइफ है ना वो आपकी पावर है लोग जो कहते हैं ना कि मुझे फ़लाँ ने तबाह कर दिया है तो जो आपने इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दी है ना उन्हीं बातों की वजह से लोगों ने आपको तबाह किया है जिन बातों का उनको पता है उन्हीं बातों की वजह से वो आपको तबाह कर रहे हैं याद रखें साइलेंस इज़ फुल ऑफ पावर खामोशी जज्बात और एहसास से भरी हुई होती है खाली नहीं होती इसमें बड़े बड़े जवाब होते हैं और खामोशी छोटी नहीं होती माउंट एवरेस्ट आपने देखा है ना छब्बीस हजार फिट ऊँची चोटी है समंदर सहरा सब बहुत बड़े बड़े होते हैं और बास जगहों पे तो खामोशी ही इख्तियार करनी होती है लाइक like, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि अगर किसी जाहिल के साथ कोई बहस छिड़ जाती है तो आप हार जाते हैं क्योंकि आप में इतना स्टैमिना नहीं होता कि आप उसके रूबरू इतनी गलत बातें कर सकें जैसे वो कर रहा होता है बहस दर बहस करें और फिर उसी के लेवल पर आ जाएं। आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं और फिर अपना नुकसान कर बैठते हैं और ख़ुद को एंग्जाइटी से बचाने के लिए ना बस ये याद रखें कि हर एक को हर एक बात नहीं बतानी अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दूँ कि मैं इम्तियाज़ आई थी हानी की बर्थडे थी तो आयशा और हानी ने कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी चीज़ें कुछ किचन की चीज़ें थी जो ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने भी वो चीज़ें ले ली थी और यहाँ पर ना सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड की शॉपिंग करने पर ना इम्तियाज़ वाले एक कूपन दे रहे थे और ये कूपन जब आपके पास दो तीन जमा हो जाएंगे ना तो लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा और कुछ चीज़ें हैं जो आप विन कर सकते हैं तो लेट्स सी कि कुछ हमें मिलता है या नहीं कूपन तो हमारे पास तीन से चार हैं लेकिन अब पता नहीं देखते हैं लकी ड्रॉ में नाम आता है या नहीं एनी हाउ यहाँ पर ना मैं गुजरा वाला जाने की तैयारी कर रही हूँ और घर को थोड़ा सा वाइंड अप करके जाती हूँ थोड़ा सफाई का खास ख्याल करके जाती हूँ क्योंकि पीछे मियाँ जी अकेले होते हैं ना तो मुझे होता है कि हर चीज़ उनको जगह पर मिले और साफ़ सुथरी हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन घर करके जाती हूँ ताकि उन्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि बाजी के घर ना मुझे चार से पाँच नाइट्स का स्टे भी करना था तो टाइम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए फिर मैं ना सब चीज़ें क्लीन करके और कुछ खाना वाना भी बना कर गई थी और इसके अलावा कपड़े वगैरह जो भी लॉन्ड्री के थे वो लॉन्ड्री करने के बाद प्रेस करके रख के गई थी घर को वाइंड अप करने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना क्योंकि फ्रिज में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं बिल्कुल ख़त्म करके जाती हूँ या फ्रीज़र में रख के जाती हूँ और इसके अलावा और भी चीज़ें कई होती हैं जो वाइंड अप करनी होती हैं और इसके अलावा कपड़े वग़ैरह प्रेस करना मियाँ जी के लिए कुछ खाने बना के रख के जाना अपनी पैकिंग से रिगार्डिंग चीज़ें और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा इनमें टाइम लगता है तो मियाँ जी कह रहे थे कि रहने दो मैं ख़ुद कर लूँगा कपड़े प्रेस लेकिन मैंने मुझे इस तरह सेटिस्फेक्शन नहीं होती मैं सारे कपड़े प्रेस करके ना रख के जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो भी बिज़ी होते हैं और उनके पास बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है तो इसलिए सारे काम ना मैं पहले ही रख के करके जाती हूँ और बेसिकली उनके टाइम की ही वजह से मैं खुद चली जाती हूँ बच्चों को लेकर जहाँ भी जाना हो ना अम्मी के जाना हो कराची तब भी मैं ख़ुद चली जाती हूँ ताकि मियाँ जी को डिस्टर्ब ना करूँ मेरी कोशिश होती है कि उनको इतना ज़्यादा तंग ना करूँ उनके पास टाइम नहीं है तो मैं ख़ुद ही अपने काम कर लूँ तो इसलिए मैं हर जगह ना आना जाना अलहदुल्ला ख़ुद ही मैनेज कर लेती हूँ और इन द सेम वे घर की भी जो कोई काम होते हैं या कोई चीज़ें वगैरह लानी होती हैं तो वो मैं खुद ही मैनेज करती हूँ ताकि जब हस्बैंड घर आए ना तो वो रिलैक्स रहें बाहर वो इतना थके हुए आते हैं और घर आकर भी अगर मैंने उनके लिए कोई ना कोई काम रखा हो तो फिर मुझे इस तरह सेटिसफेक्शन नहीं होती तो सारे काम ना मैं ख़ुद अलहमदिल्ला मैनेज कर लेती हूँ बस पैंट्स और शर्ट्स मैंने प्रेस कर दी थी और क्योंकि फ्राइडे भी मुझे वहीं पे स्टे करना था तो यहाँ पर ये एक शलवार कमीज़ है जो मुझे प्रेस करनी थी इसे मैंने पानी लगा के रख दिया था और कुछ देर के बाद ना प्रेस करके और अलमारी में लटका दिया था और इसी तरह मैंने ना खाना वाना दो टाइम का बना के और फ्रिज में रख दिया था और मैंने मियाँ जी से कहा था कि इन केस अगर आपने ना खाना हुआ ना तो इसको फ्रीज़र में रख देना क्योंकि गर्मी ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है एकदम से एक हफ्ते के अंदर अंदर ना गर्मी ने बहुत ज़्यादा पीक पकड़ ली है तो खाना नीचे पड़ा रहेगा ना एक दो दिन तो ख़राब हो जाएगा तो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि फ़्रीज़र में रख दीजिएगा माश की दाल बनाकर मैंने फ़्रिज में रख दी थी और इससे पहले मैंने गोश का सालन बनाकर ना वो भी फ्रिज में बॉक्स में डाल कर रख दिया था उनके लिए और इसी ब्लॉग के नेक्स्ट क्लिप्स में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह इस्लामाबाद से वहाँ स्टेशन तक गई हूँ और उसके बाद ना हमने गुजरावाला में ट्रेन का सफ़र किस तरह किया बड़ा एडवेंचरस सा ट्रैवल होता है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इतनी ज़्यादा थकन भी फ़ील नहीं होती क्योंकि मैं तो आदि हूँ शुरू से ना लंबे लंबे ट्रैवल करने की और कराची जो मैं जाती हूँ उसका ट्रैवल तीस घंटे का होता है और एक दफ़ा ट्रेन ना कुछ लेट थी तो मेरा ये ट्रैवल थर्टी सिक्स आवर्स का हो गया था यानी छत्तीस घंटे का मेरा ट्रैवल था और वह मैंने खुद ही बच्चों के साथ किया था तो बस जिस चीज़ की आदत बंदा बनाता है ना वो आदत हो जाती है और अच्छी बात है अपने काम ख़ुद ही करने चाहिए किसी को इतना ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए जब तक अपने अंदर इतनी पावर इतनी पोटेंशियल है कि हम अपने काम कर सकें ओके नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर थ्री विच इज़ हाउ टू ओवरकम एंगज़ाइटी अगर आपको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं ना तो आपने ना कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करना है नंबर वन पे है हेल्दी ईटिंग कोई भी जंक्स आपने नहीं खाने हैं और दूसरे नंबर पे है अवॉइड ड्रग्स ड्रग्स को आपने अवॉइड करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं वो आपने रेगुलर करनी है और इसके अलावा जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं फिज़िकल एक्सरसाइज़ होती हैं वो आपने ज़रूर करनी है और ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो आपको आती हैं ना उनको किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जो भी ये एंजाइटी अटैक्स आपको आते हैं ना वो आते ही इस वजह से हैं क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे होते हैं हर चीज़ को ओवर थिंकिंग जो है ना इसका बेसिक फैक्टर है जितनी भी आपको बैड मैड सैड थाट्स आती हैं ना इनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें और एक्सरसाइज तो रेगुलर बेसिस पे करें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है एक्सरसाइज करना लेकिन जब आपकी एक दफ़ा आदत बन जाती है ना फिर आप इसके बगैर नहीं रह सकते फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज रोज़ किया करें स्टार्ट स्लोली बट इंक्रीज ग्रेजुअली जब एक दफ़ा आप इसके हेबिचुअल हो जाएंगे ना तो आपको आसान भी लगेगा और आपको अपने लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी और बेनिफिशियल भी लगेगा क्योंकि जाहिर है कॉमन सी बात है कि जिस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना वो चीज़ ग्रो करती है नेक्स्ट पॉइंट इज़ गॉसिप विद राइट पीपल द पर्सन हु गॉसिप्स इन फ्रंट ऑफ यू विल ऑल्सो गॉसिप अबाउट यू इन योर एबसेंस ये बात हमेशा याद रखें कि एक बंदा जो आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है ना वो किसी के सामने आपकी भी जरूर बुराई करेगा क्योंकि उसको तो चूरन मिल गया है अब उसको वो चूरन को बेचना है और वो हर हाल में बेचेगा एक अक्लमंद आदमी के पास ना कोई एक शख्स आकर बैठा और बोला मैं आपको ना आपके दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ तो वो जो अक्लमंद आदमी था ना उसने बोला कि ठहरो मैं पहले तीन फ़िल्टर लगाऊंगा फिर तुम्हारी बात सुनूंगा और वो तीन फिल्टर क्या थे नंबर वन इज़ ये बताओ कि ये बात सच्ची है तो वो शख्स बोला कि नहीं ये सुनी सुनाई बात है अक्लमंद आदमी ने दूसरा सवाल किया कि ये बताओ वो अच्छी बात है तो वो शख्स बोला कि नहीं वो अच्छी बात नहीं है और जो तीसरा फिल्टर उस अक्लमंद आदमी ने लगाया वो ये था कि क्या उस बात का मुझे फ़ायदा होगा तो जो शख्स आया था बात बताने उसने कहा कि नहीं इस बात का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो अक्लमंद शख्स ने कहा कि जो बात तुम मेरे दोस्त के बारे में मुझे बताने आए हो वो सुनी सुनाई है और दूसरी बात ये कि वो बुरी बात है और तीसरी बात ये कि वो बात मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं देगी तो फिर मैं तुमसे ये बात क्यों सुनूँ यानी यह तीन फ़िल्टर लगाने के बाद उस अकलमंद आदमी ने उस शख्स से कहा कि मैं अपने दोस्त के बारे में कोई बात नहीं सुनूँगा क्योंकि ये तीन फ़िल्टर लगाने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बात को अपने दोस्त के बारे में सुनूँ तो so, इस छोटी सी स्टोरी से ना हमें ये लेसन मिल रहा है कि जब भी आपको कोई किसी के बारे में कोई भी बात बताने के लिए आए तो आप ये तीन फिल्टर लगाएं और फिर आप देखें कि ये बात सुनना आपके हक में बेहतर है या नहीं बिला वजह किसी के बारे में कोई गलत बात ना सुने क्योंकि उसने बात किसी और तरह की होती है और जो आपको बताता है ना वो किसी और तरह से डिलीवर करता है लेकिन आपको उस वक्त वही बंदा सच्चा लग रहा होता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं जबकि ऐसा होता नहीं है एक्चुअली वो बंदा ना अपने फ़ायदे और मतलब की बात उसमें एडिशन करके ना फिर आपके सामने बात करता है तो इसलिए किसी भी बात पर यकीन करने से पहले ना उस बात को अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें उसके बारे में कन्फर्मेशन हासिल करें और फिर किसी के बारे में गलत राय कायम करें और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से हमेशा अवॉइड करें इधर उधर की बातें सुनकर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके दूसरे लोगों की दिल आज़ारियाँ ना करें और उनको जो है वो तंज ना करें टॉन्ट्स ना करें अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाकर पेश करें और टोंटिंग पर्सनालिटी ना बने ऑलवेज़ ट्राई टू कम्युनिकेट विद गुड मैनर्स आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे जो भी बातें अच्छी लगी हों उन पर अमल करने की कोशिश करें अच्छा यहाँ पर मैं गुजरावाला स्टेशन पहुँच गई थी अलहमदल और यहाँ पर भी काफ़ी गर्मी थी आपको धूप से भी कुछ आइडिया हो रहा होगा वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ आज के ब्लॉग से आपने अगर कुछ सीखा हो या कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो आपने कुछ लर्न किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इनशाला टिल देन स्टे हैप्पी स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अलॉट